कैंट पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कैंट पुलिस ने कारमल रोड से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सरबरे पुत्र शमशीर आलम निवासी अमुआ पोस्ट कोरलिया थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज, समीम पुत्र मोहम्मद खान निवासी रतनपुर खान टोला थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज तथा अब्दुल्ला पुत्र मुर्तजा निवासी कौलपुर पोस्ट नारायणपुर थाना महदावल जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 3 किलो 950 ग्राम अवैध गांजा, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, जटेपुर चौकी प्रभारी इत्यानंद पांडे, बेतिहाता चौकी प्रभारी विशाल शुक्ला, कांस्टेबल गोविंद लाल, राकेश यादव, निखिल यादव, दीपक शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये आज 3:40 पे कारमल रोड में चौकी क्षेत्र जटेपुर से तीन लोग गिरफ्तार किए गए। इनके नाम है सबरे पुत्र शमशीर आलम, समीम पुत्र महमूद खां और अब्दुल्ला पुत्र मुर्तजा। इन सबको गिरफ्तार किया गया 3 किलो 950 ग्राम नजायज गांजे के साथ, एक अदद चोरी की पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी इनके साथ बरामद की गई। सर, किस थाने पहले से कोई मुकदमा? इनका कोई इसके पहले का मुकदमा नहीं है। ये लोग वैसे तो नौतनवा महाराजगंज और नारायणपुर थाना मेहदावल जनपद संत कबीर नगर के निवासी हैं। गोरखपुर में ही ये पहला मुकदमा इन पर लिखा गया। मुकदमा अपराध संख्या 378/21 है, 381/21 ये दो लिखे गए हैं, और इसके अतिरिक्त NDPS एक्ट के भी मुकदमे इन पर लिखे गए हैं। इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।